बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला आप सबको जहां भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। तो जी, यहाँ पे जो है ना, वो 1 जनवरी जो है वो आ रहा है, नया साल शुरू होने लगा है। तो उस दिन भी छुट्टी होती है और उससे एक दिन पहले भी जो है ना वो हाफ़ डे होता है। तो बहुत ज़्यादा मार्केटों में रश होता है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आज ही जा के जो है ना वो ग्रोसरी वगैरह करके ले आते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ले आते हैं। संडे को तो वैसे ही मार्केटें हमारे पास टोटली बंद होती हैं, तो मैंने कहा उससे पहले पहले जो है ना वो ग्रोसरी कर लेते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो ले आते हैं। तो हम लोग जो है वो लीडल आए थे, सबसे पहले बोतलें डाली हैं, वो पैसे पर्ची निकाली है, पर्ची निकाल के अब लीडल के अंदर आ गए हैं। यहाँ से लेंगे हम लोग चीज़ें वगैरह, ज़्यादा बच्चों की चीज़ों का होता है कि बच्चों की चीज़ें सारी पूरी हों, हमारी ना भी होंगी तो हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों का ये होता है कि उनकी सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना वो पैम्पर लगे हुए थे सस्ते, मैंने वो पैकेट लिया है अनाबिया के लिए। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ली हैं, बस ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी, फ्रूट वगैरह ज़्यादा ज़रूरी था, बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुछ घर में था। और उसके अलावा सब धनिया वगैरह लेना था, मैंने कहा पकाने के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, फिर 2 दिन समझ नहीं आनी कि बंदा क्या पकाए और क्या ना पकाए। तो बस इस वजह से जो है ना हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी जो है वो जाके ग्रोसरी ले आते हैं, फिर जो है अगला जो एक दिन है वो तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है मार्केटों में। तो इस वजह से आज हम लोग आ गए थे लिडल ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लीडल की ये सारे छाबे टोकरियाँ जितनी भी जो भी इसको रैक जो भी कह लें सब खाली पड़ा है। नए साल के हवाले से ये गोले पटाखे, इस पूरे वीक में सिर्फ गोले पटाखे लगे हुए थे, और जो नए साल के लिए बच्चे लेते हैं और बड़े लेते हैं ना, तो ये सब बिक चुके थे टोटली, जो है वो खाली पड़े थे। ये 2-2, 3-3 बस रह गए हैं, ये भी कल सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीक में ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ था, जो आता है ना घर में उसमें सिर्फ ये गोले पटाखे ही लगे हुए थे और वो लोगों ने सारे जो हैं वो उठा लिए थे। तो आज जो है ना वो लीडल के छाबे जो हैं वो खाली पड़े हुए थे। तो जी, यहाँ से मैंने और मेरी बेटी ने जो है वो चीज़ें ले ली थी लीडल से, जो जो कुछ लेने वाला था। उसके बाद हम लोगों ने इस लीडल के बिल्कुल सामने जो है ना वो अरबी शॉप है, वहाँ से धनिया वगैरह और बाकी जो चीज़ें और सब्ज़ी वगैरह ना वो लेनी थी वो ले लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग काउंटर पे आ गए, यहाँ पे बिल पे करेंगे, लाइन में लगे हुए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी तो काफ़ी इंतज़ार किया, लाइन में लगे रहे हैं। तो यहाँ पे बिल पे करते हैं, और अब जो है वो मैं आ गई थी यहाँ पे अरबी स्टोर पे, और यहाँ से धनिया गाजरें और जो जो चीज़ें शलजम लिए थे मैंने पकाने के लिए सब्ज़ी के लिए, और बस बाकी जो जो चीज़ें लेनी थी वो यहाँ से ली हैं। और लेने के बाद जो है ना सारी चीज़ें फिर हम लोग चलेंगे घर की तरफ। तो जी, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी ना, जिन जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी कुछ मैंने ले लिया है। अब जो है हम लोग घर वापस जा रहे हैं, घर वापस चलते हैं, जाके आपको अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगे और उसके बाद जो है ना वो अपने बाकी जो दिन के काम है ना वो कर लेंगे। तो जी, यहाँ पे हम लोग घर वापस पहुँच चुके थे, और ये देखें प्याज का मैं बड़ा थैला ही ले आई थी 5 किलो वाला, मैंने कहा रोज़ रोज़ जो है ना वो नहीं लाए जाते। ये पैम्पर सस्ते, काफ़ी सस्ते करके लगाए हुए थे, और ये टिशू वगैरह लेके आए थे, टॉयलेट पेपर वगैरह, बस ये थी मेन शॉपिंग। और एक दूसरा डिब्बा जिसमें हाथ साफ़ करते हैं टिशू वो वाला ना, और ये किचन का पेपर जो है ये भी ख़त्म हुआ था, ये भी ज़रूरत थी तो ये भी ले आई थी मैं। तो बाकी जो है ये मैं बाकी फ्रूट वगैरह, दही और सब्जियां वगैरह जो ज़रूरत थी वो लेके आई हूँ, नाबिया के खाने की चीज़ें, और टोस्ट वगैरह लेके आई हूँ, ब्रेड लेके आई हूँ, ब्रेड ख़त्म थी, और ये मैं शलजम लेके आई हूँ। आज जो है वो मैंने सोचा कि शलजम पका लूँ, कोई सब्ज़ी पका लूँ, क्योंकि दाल चावल भी बना ली और सब्ज़ी भी बना ली थी पहले जो जो कुछ बनाया था। अब जो है वो मैंने सोचा कि ऐसे कुछ सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं सारी चीज़ें वगैरह समेट रही थी। ये जो मेरा रैक ना जिसमें मैं आलू और प्याज वगैरह लहसुन वगैरह रखती हूँ, ये मैं पैकेटों से इसलिए नहीं निकालती कि मेरी बेटी सारे जो है ना वो इधर उधर फेंक देती है, और इस वजह से जो है ना वो मैं इसी में रहते नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा आज इसकी अच्छी तरह जो है ना वो सफाई करती हूँ सारी चीज़ें इसके निकाल के,
फिर इसके अंदर जो है ना वो प्याज रखूँगी। प्याज में थोड़े से ही जो है वो रखूँगी, इसकी अच्छी तरह पहले सफाई कर लेती हूँ, इसके जो ये मैंने बिछाए हुए हैं इनको अच्छी तरह धो के फिर से जो है वो दोबारा से इसको बिछाऊँगी, और इसमें प्याज आलू दोबारा से सारे निकाल के रख दूँगी। मेरी बेटी ने सारे खिलार देने होते हैं, वो इधर उधर फेंक देती है। मैं किचन में जब भी आती हूँ ना काम कर रही होती तो वो बस आलू प्याज़ों के साथ खेल रही होती है, कोई डस्टबिन में फेंक दिए, कोई कहीं फेंक दिया, कोई जाके उधर जाके फेंक देती है, कोई बेडरूम में ले जाती है, बस इसी तरह सारा दिन यही कुछ बच्चों का लगा रहता है। तो ये मैंने साफ़ करके दोबारा से वापस रख दी थी। अब इसके अंदर जो पहले वाले प्याज़ हैं वो भी रखूँगी, आलू निकाल के रखूँगी और प्याज़ वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो वापस इसके अंदर सेट करके इसको वापस अपनी जगह पर रख दूँगी। तो जी यहाँ पे इसमें मैंने दोबारा से आलू और प्याज़ मैंने अब वो उसमें से निकाल दिए, जो इसकी पैकिंग है उसमें से निकाल के सारे जोड़ के रख दिए हैं। और ये जो बड़ा पैकेट मैं लेके आई हूँ इसमें काफ़ी बड़े बड़े प्याज़ थे, तो ये इसमें रख लूँगी, थोड़े से रख दूँगी, बाकी जो है ना वो मैं स्टोर में रख दूँगी ताकि जो है ना वो सारे ना ये इसको इधर उधर फेंक के ना ज़ाया ना करे प्याज़। एक मैं इतना बड़ा अदरक का पैकेट लेके आई थी वो पता नहीं इसने कहाँ फेंक दिया, मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं डस्टबिन में फेंक दिया या कहाँ, ऊपर से कूड़ा फेंक देती हूँ डस्टबिन में और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी प्याज़ मैंने इसमें रख दी जितनी मुझे ज़रूरत थी, तो अब इसको इसकी वापस जगह पर रखती हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सारी इसी तरह समेट के तो जो है ना वो वापस सारी चीज़ें जो है वो रख देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं फ्रूट निकाल के रखने लगी थी, जो दूसरी टोकरी है ना वो तो अभी उसमें फ्रूट पड़ा हुआ था, मैंने कहा पहले वो खा लेंगे, इसको ना अलग ही रख देती हूँ। तो मैंने ये एक और टोकरी में निकाल दिया था। और माल्टे तो हम लोग वैसे भी माल्टों के इलाकों के हैं तो हमें जो है ना वो माल्टे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये बस 1-2 महीने ही आते हैं इस तरह के माल्टे जो खाने वाले अच्छे मीठे माल्टे होते हैं, तो वो हम लोग लाजमी जब भी जाएँ मार्केट लाजमी माल्टे वगैरह लेके आते हैं। नाशपाती लेके आई, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से बहुत खुश होकर जो है वो नाशपाती खा लेते हैं, तो ये टोकरी अलग से रख दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें समेटने के बाद बर्तन धोए थे, बर्तन धो के मैंने किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करने के बाद अब जो है ये मैं चूल्हा चला रही थी, उसके ऊपर मैंने पैन रखा है और ये बोतल वाला जो दूध है ना ये इसमें से मैंने सुबह चाय बनाई थी तो ये ख़राब हो गया था, ये फट गया था दूध ना, तो ये जो दूध है ना इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको फेंकूँगी नहीं, बल्कि इसके जो है ना वो मैं बर्फ़ी टाइप बहुत मज़े की बनती है, तो इसको पैन के अंदर डाल के ना जल्दी जल्दी इसको गर्म कर लूँगी, बहुत थोड़ा टाइम लगता है और जो ऐसे दूध ख़राब हो जाएगा ना तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इस तरह इसकी बर्फ़ी बना लेना बड़ी मज़े की और बहुत मज़े की, जैसे वो बोली टाइप होती है ना ऐसी बन जाती है। तो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ना यहाँ पर दिखाऊँगी कि फटे हुए दूध को ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस इसमें थोड़ी सी जो है वो 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड की थी, चीनी ऐड करूँगी और इसको हलाती जाऊँगी मुसलसल, इसको हला के ना जो ये देखें ये ऐसे मेरा दूध जो है ना वो सुबह फट गया था, तो इसको बस ऐसे गर्म कर लेना, पानी इसमें से जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएगा, पैन में मैंने इसीलिए रखा है कि खुले बर्तन में ना ज़रा जल्दी हो जाता है, तो ये बहुत मज़े की जो है ना वो बर्फ़ी तैयार हो गई थी। तो जी यहाँ पे ये देखें मेरी मज़ेदार सी जो है ना वो बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको बना के खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी थी। तो बर्फ़ी बनाने के बाद जो है ना वो मैंने घर की सफाइयाँ की, अब जो है वो मैं यहाँ पे शाम का खाना बनाने लगी थी, क्योंकि आज पता था कि शलजम मैं लेके आई हुई थी तो गोश्त मैंने निकाल दिया था, तो मैंने कहा कि आज शलजम गोश्त जो है वो मैं बना लेती हूँ, तो गोश्त मैंने चूल्हे के ऊपर रखा था, साथ साथ जो है वो मैं शलजम काट रही हूँ, अदरक काट के रखा हुआ है, शलजमों को पहले मैंने छील लिया था, छीलने के बाद मैंने धोया था, धोने के बाद अब जो है इनको बारीक बारीक जो है ना वो काट रही हूँ, काटने के बाद जो है ना वो फिर इसका गोश्त की बुनाई करूँगी और शलजम जो है ना अब इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने गोश्त के अंदर ही सारा कुछ प्याज लहसुन और टमाटर सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाल के रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, तो जैसे ही पानी खुश्क हुआ है ना इसके अंदर अब ऑयल डाल के और नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के ना और बाद में अदरक डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरा गोश्त अच्छी तरह भुन गया था, अच्छी तरह गोश्त भुनने के बाद ना इसमें मैंने जो मैंने शलजम काट के रखे थे इसको ऐड किया है, ऐड करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे के ना तो इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, साथ साथ जो है ना वो मेरा सालन भी तैयार हो जाएगा और साथ जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मेरे सारे किचन के शाम के काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो जी यहाँ पे ये देखें जो है ना वो मेरे शलजम साथ साथ तैयार हो रहे थे, और थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें चम्मच हिला रही थी ताकि ये जो है ना वो सालन नीचे ना लग जाए। तो बस यहाँ पे अब मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और मेरा आज का जो शाम का खाना है वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।